वेलकम टू अवर चैनल जंकेट बॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ये टेस्टी पिज्जा की रेसिपी लाए हैं। लग रहा है ना, ये डोमिनोज का पिज्जा। वैसे आप, मेरे को पता है कि आप सब बहुत मिस कर रहे हैं ये लॉकडाउन में डोमिनोज, तो आप इजली इसको अपने घर में बना सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए हमारी नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। ये पिज्जा को हमने, अगर आपके घर में ओवन भी नहीं है, ना ही कुछ ऐसा बेकिंग का कुछ जरिया भी नहीं है, तो हमने इसको इजली जो घर के बर्तन रहते हैं उसमें हमने बनाया है। इसलिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें कि आपको पता चले कि ये हमने इसे किस में बनाया है। लेट्स एंजॉय द वीडियो गाइस। आज हम ये टेस्टी पिज्जा की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले हम डो के लिए हमको क्या करना है, ये हमने पहले से ही डो रेडी करके रखा है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमको बता सकते हैं, इसलिए आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। ये जो मेजरमेंट कप दिख रहा है, इससे हमने 4 कप मैदा हमने लिया है। देन हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए हमने इसमें शुगर भी ऐड किया है, और इसको हमने फिर अच्छे से गूथ लिया है। और ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। और गूथने के बाद हम इसमें ऑयलिंग ऊपर से लगाए हैं और इसको कुछ देर के लिए मैग्नेट होने के लिए रखा है। देन हम कुछ बेबी कॉर्न्स ले लेंगे, ये भी सीजन चल रहा है, आपको इजली मिल जाएगा, या फिर आप इसे शॉप से भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर कैरेट लिया है और पिज्जा सॉस लिया है, ये बीट रूट लिया है, और ये लिया है हमने मोजरेला चीज, ये आपको इजली शॉप में मिल जाएगा। और ये हमने कुछ वेजिटेबल्स लिया है, जैसा कि ये दिख रहा होगा हमने ट्रायंगल शेप का इसको कट किया है। ये है टमाटो, ये हमने लिया है चिली जिसको कहते हैं शिमला मिर्च, और ये है ऑनियन। इतना सारा इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए रहेगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, जहां हम बेस बनाएंगे हमारे पिज्जा का। लेट्स गो। स्मॉल साइज पिज्जा बना रहे तो हमने जस्ट मीडियम साइज का प्लेट लिया है, क्योंकि हमारे डो को हम यहाँ पे रखकर स्प्रेड करेंगे। उससे पहले हमने इसमें ब्रशिंग कर लिया है ऑयल का, आप भी कर सकते हैं। देन आप इसको अपने फिंगर से जस्ट स्प्रेड कर सकते हैं इस पूरे प्लेट के साइज के। ये हमने इसमें पिज्जा सॉस ऐड कर लिया है, देन हम ऊपर से इसमें मोजरेला चीज भी डाल लेंगे। आपको जितना चाहे उतना मोजरेला चीज आप डाल सकते हैं। फिर हम बेबी कॉर्न्स भी डाल लेंगे, कैरेट भी डाल लेंगे, और हमने जो बीट रूट रखा है वो भी हम डाल लेंगे, और ऊपर से हम डेकोरेट कर देंगे टमाटो, ऑनियन और शिमला मिर्च से हम डेकोरेट कर सकते हैं। और देन जब ऊपर से और भी चीज़ हम ले सकते हैं, और फिर हम इसको बेकिंग के लिए चढ़ा देंगे। गाइस, अगर आपके घर में पिज़्ज़ा के लिए कुक करने के लिए ओवन नहीं है तो आप लोग इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम ये टेक्निक आपके लिए लाए हैं। आप एक बड़ी साइज़ की कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर आप सबसे पहले सॉल्ट ऐड कर दीजिए। आप कोई सा भी इसमें सस्ता सा सॉल्ट यूज करिएगा, क्योंकि एट लास्ट ये वेस्ट ही होने वाला है। और उसको अच्छे से पूरे कढ़ाई में स्प्रेड कर लीजिए। गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा जो सॉल्ट है वो पूरे कढ़ाई में स्प्रेड हो चुका है,
और जो कि इक्वल फॉर्म में है, तो आप लोगों को भी वैसा ही करना है कि इसे इक्वल फॉर्म में स्प्रेड करना है। देन अपन जो डाइनिंग टेबल में स्टैंड यूज करते हैं फूड प्रिजर्व करने के लिए, वो वाला स्टैंड आप यहाँ पे यूज करिएगा कि इसके ऊपर हम अपने पिज्जा बेस का प्लेट या फिर जो भी है आपके पास स्टैंड वगैरह, तो आप रख सकते हैं। नाउ अब आप गैस ऑन करके अपनी कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख दीजिए। हमने गैस ऑन कर दिया है, फिर इसको हमको ढक लेना है। फाइनली हमारा पिज्जा बनके रेडी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया है, और जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक आने पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय गाइस।